हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीएसएस की बात करेंगे, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, जो सीएसएस है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो सीएसएस है उसको लेकर के कई बार स्टूडेंट्स का ये कमेंट होता है मेरे चैनल पर कि इसमें सीएसएस कहाँ है। जब मैं एचटीएमएल यूज करता हूँ तो उसी के साथ साथ सीएसएस भी यूज करता हूँ, तो उसमें पूछते हैं कि सीएसएस है कहाँ। तो देखिए, सीएसएस तीन तरीकों से यूज किया जा सकता है, ठीक है। सीएसएस जो है तीन तरीकों से यूज किया जा सकता है। पहला होता है इनलाइन स्टाइल, ठीक है। दूसरा होता है इंटरनल स्टाइल शीट, और तीसरा होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ठीक है। अब ये क्या होता है उसके बारे में हम बता देते हैं आपको, कोडिंग के जरिए बताता हूं। अब यहां से सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जो हमारे पास है उसको मैं ले लेता हूं, इनलाइन स्टाइल, तो उसके बारे में बता रहा हूं। देखिए, यहां पर हमने लिखा HTML, ठीक है। फिर यहां पर लिखा हेड। आपको पता है HTML और हेड दोनों ही पेयर्ड टैग, इट मींस टू से कि कंटेनर टैग, ओके। और HTML हेड, और फिर यहां पर आ जाएगा बॉडी, और बॉडी को देने के बाद फिर एंटर प्रेस करेंगे, और फिर हम 50 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमने दे दिया, ओके। अब क्या करना है, अब इसको क्लोज कर देना है, क्योंकि अब तो हमें कुछ लिखना नहीं है। तो यहां से पहले टर्मिनेट कीजिए, फिर इसको क्लोज कीजिए, ठीक है। और क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर स्टार्ट किया था हमने, तो यहां पर पहले स्टार्ट भी तो करना होगा। तो स्टार्ट किया, तब यहां पे क्लोज किया, ठीक है। अब यहां पर इसको क्लोज कर देते हैं, यहां से इसको बंद किया टैग को, और यहां पर जो लिखना है, जैसे हेलो दिस इज सीएसएस, ये हमने दे दिया, दिस इज इनलाइन स्टाइल ऑफ सीएसएस। अब क्या करेंगे, H1 को क्लोज कर देंगे। आपको पता है H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और H6 लास्ट वाली होती है। H6 के बाद हम कोई और हेडिंग नहीं देते हैं, ठीक है। यहां पर करना है H2 स्टाइल, H1 स्टाइल हो चुका है, H2 स्टाइल कर सकते हैं, या यहां पर पैराग्राफ भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। हमने आपको पैराग्राफ स्टाइल के भी बारे में बताया है, तो ये पैराग्राफ स्टाइल हो गया, ठीक है। और यहां किया, और यहां पर देखिए मैं एक टैग ले रहा हूं div, div के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। यहां पर लिखा div स्टाइल इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए, यहां पर डबल इंटेड कॉमा लिया हमने, और यहां पे लिया हमने कलर, तो कलर की स्पेलिंग सेम रहेगी, COLOR, और यहां पर कलर ले लेता हूं मैं ब्लू, ठीक है। सीएसएस में कलर की कोडिंग भी होती है, तो आप कोडिंग भी कर सकते हैं, आगे चलकर के कोड्स के बारे में भी बताऊंगा। यहां पे दिया हमने फॉन्ट साइज, ठीक है, और फॉन्ट साइज क्या देना है वो देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए हम यहां पे दे देते हैं फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ओके, ये हमने दे दिया, और यहां पर टर्मिनेशन किया, और फिर यहां पर डबल इंटेड कॉमा को कर दिया क्लोज, और यहां पर जो एंगुलर ब्रैकेट है उसको भी क्लोज कर देंगे, और यहां पर इस तरह से करके, अब यहां पर वो जो हमने लिखा था इनलाइन सीएसएस, ये चीज यहां पर आ जाएगी, ठीक है। इसको उठाया हमने और यहां पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, कॉपी करके, तो ये हमने कर दिया। अब यहां पर डिव को क्लोज करेंगे, ठीक है। डिव टैग भी पेयर्ड टैग होता है, तो ये डिव टैग को भी क्लोज कर दिया हमने, और अब बचा है बॉडी, और फिर बचा है HTML, तो इसको भी क्लोज हम कर देंगे। तो यहां से HTML और बॉडी दोनों को क्लोज कर दिया, यहां से अब सेव करेंगे इसको, तो यहां से सेव करते हैं, सेव बटन पर क्लिक करते हैं, यहां पे हमने इसे नाम दिया है inline.html, ठीक है। तो CSS जो है HTML के अंदर एम्बेड होता है, तो ये हमने एम्बेड कर दिया इसको। अब ये हमारी कोडिंग हो गई पूरी, ठीक है। यहां पर आएंगे तो ये इनलाइन के नाम से हमने इसे रखा हुआ है, यहां पे देखिए, यहां पे आके सेव हो गया है। डबल क्लिक करेंगे तो ये कोड हमें दिखेगा कि क्या प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। वो कोड देख लीजिए आप एक बार, ये हमने कोड लिखा है, ठीक है। और यहां पर कलर रेड दिया है, ठीक है। अगर हम यहां पर ग्रीन कलर कर देते हैं तो जो हमारा फॉन्ट है वो ग्रीन कलर में प्रिंट होकर आएगा। यहाँ पे देखिए ग्रीन कर दिया हमने, तो अब ये ग्रीन कलर में ही प्रिंट होकर आएगा। इसको सेव कर लेता हूं एक बार, और फिर इसका दोबारा से हम आउटपुट देख लेते हैं। यहां से ये यह हमारा आउटपुट है, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं यहां से, तो यहां पे देखिए ये कलर अपने आप चेंज हो गया, यानी ग्रीन कलर में हो गया ये। तो ये इनलाइन सीएसएस की स्टाइल है, ठीक है। अब दूसरे स्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं। जो दूसरी सीएसएस की स्टाइल है उसे हम बोलते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। अब इंटरनल स्टाइल शीट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां HTML से ही स्टार्ट करना है आपको, तो HTML कर दिया हमने।
यहां पर लगाएंगे स्टाइल, तो यहां पर कर दिया हमने स्टाइल। अब देखिए ये जो दूसरी वाली स्टाइल है इंटरनल स्टाइल शीट, इसकी क्या स्टाइल है, इसको कैसे हम कोडिंग करेंगे, इसमें आएंगे तो यहां पर हमने लिख दिया एच वन, उसके बाद हमने इसको हम कराएंगे रन। तो एक बार डबल क्लिक करता हूं इसमें, देखते हैं कैसा हमारा आउटपुट आता है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का आउटपुट हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आपको एक बार फिर कोड दिखाता हूं मैं। ये कोड आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन लगाया हमने, ठीक है, और यहां पे कलर ब्लू लगाया, यानी टेक्स्ट का कलर ये है और ये बैकग्राउंड का कलर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटरनल स्टाइल शीट। ठीक है,